भारत सरकार और RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जनधन खाते खोलने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करने और जैम ट्रिनिटी के निर्माण से आया है। समावेशी विकास का लक्ष्य लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ और नए कदम उठाए हैं। ये पहल सूचना तकनीक की नींव पर लोगों को जोड़ते हुए एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने का प्रयास है। आइए जानें ये क्या है। RBI रिटेल डायरेक्ट योजना। आज देश में लोगों के लिए निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जरूरी ये है कि ये विकल्प सुरक्षित और आसान हों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश एक ऐसा विकल्प है जो पूंजी को सुरक्षित रखते हुए अच्छे रिटर्न प्रदान करता है। फिर भी छोटे निवेशक, वेतन भोगी और पेंशन भोगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को जटिल मानते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की है, जिससे निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशक न केवल पूरे विश्वास से अपनी जमा पूंजी का निवेश कर पाएंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास में योगदान भी कर सकेंगे। अब छोटे निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल rbiretaildirect.org.in द्वारा RBI में अपना गिल्ट अकाउंट यानी प्रतिभूति खाता खोलकर अपने बैंक खाते से सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकेंगे। यह सुविधा निशुल्क है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। वित्तीय समावेशन का एक पहलू सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है, और इसे सरल, सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम की शुरुआत की गई है, जो मौजूदा लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है। इसके अंतर्गत सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 11,352 बैंकों, NBFC और PPI इशुअर्स को चरणबद्ध तरीके से एक मंच पर लाएगी। इसे लगभग 44 करोड़ ऋण खाता धारक, 220 करोड़ जमा खाता धारक और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के सभी ग्राहक लाभान्वित होंगे। शिकायत दर्ज करने तथा उसे ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते की सुविधा होगी। एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण के अंतर्गत RBI चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी CRPC स्थापित किया गया है। ग्राहक अपनी शिकायत RBI के ऑनलाइन पोर्टल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी cms.rbi.org.in पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही CRPC के टोल फ्री नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने हेतु सहायता और उससे जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। ये हैं RBI के कुछ नए पहल जन जन को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए, जन जन को खुशहाली की ओर मोड़ने के लिए। आज ये पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं।